मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इंथैल्पी। इंथैल्पी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन को हमने प्रूव करा था कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो हीट कंटेंट के कैसे इक्वल आएगी। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर ली थी। नाउ आज हम देखते हैं इसके अलग फॉर्मूलाज। ठीक है, ये हमें पता है कि क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ये हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है, अब हीट कंटेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज इसके इक्वल है, ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव कर दिया था। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे लिख लिया डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, अब हमें हीट कंटेंट का फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट पढ़ा था डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। एन क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स, सी पी क्या है, हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। राइट, अब यहाँ पे हमारा डेल्टा एच भी यही आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा क्यू पी की जगह पे तो हमने डेल्टा एच लिखा था। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये होता है हीट कंटेंट का फॉर्मूला। अब ये चीज हमने प्रूव कर दी, इसलिए डेल्टा एच का फॉर्मूला भी ये आ सकता है एन सी पी डेल्टा टी। ये आप ध्यान रखना, एंड में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज लिख के बता दूंगी कि कौन कौन से फॉर्मूला हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखना कि ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू एन, एन नंबर ऑफ मोल, सी पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी टेम्परेचर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब क्या है सीपी, सीपी क्या है, हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, एफ बाई टू प्लस वन आर। एफ क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय टू प्लस वन। आर क्या है, हमारा गैसियस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314। ये आप याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ। ठीक है, अब एफ इज इक्वल टू टू, टू इसकी वैल्यू कब आती है, जब हमें गैस दियो मोनोटोमिक। ठीक है, मोनोटोमिक गैसेस कौन सी होती है बताओ, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये ऐसी गैसेस कौन सी होती है, मोनोटोमिक। ठीक है, एफ की वैल्यू फाइव कब आएगी, जब हमें गैस दियो डायटोमिक, डायटोमिक गैस जैसे O2। ठीक है, इसके नीचे 2 लगा ना, इसलिए डायटोमिक। और पॉलीएटोमिक गैसेस जैसे NH3 होगी। ठीक है, F उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर मोनोटोमिक दिए 2, डायटोमिक 5, पॉलीएटोमिक 6, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके अपना न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये फॉर्मूला हो गया एक, आगे क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू NRT क्या होती है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होगी। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब पीवी की जगह पे हम एनआरटी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एनआरटी पुट कर दिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआरटी। अब यहाँ पे डेल्टा आर क्या है, कांस्टेंट, टी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चेंज किस में हो रहा है, ओनली मोल्स में, मोल्स किस कौन किसके हैं, गैस के। तो डेल्टा एन जी, जी क्या है यहाँ पे, गैस, आरटी, आर और टी क्या है, कांस्टेंट। ये हमारा डेल्टा एच का सेकंड फॉर्मूला हो गया, एक पहला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, अब ये दूसरा फॉर्मूला है। नाउ आगे देखो एन जी, अब डेल्टा एन जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें न्यूमेरिकल आता है तो। इसमें एक चीज और शो हो रही है कि जो हमारा डेल्टा एच है वो डिपेंड किस पे करता है, बताओ किस पे डिपेंड करता है डेल्टा एच, हमारा डेल्टा यू पे डिपेंड करता है। और डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, एन जी पे। अगर देखा जाए तो डेल्टा एच किस पे डिपेंड करता है, एनजी। आगे हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें समझ आएगा आपको कि कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी के लिए देखो डेल्टा एनजी क्या हो गया, एन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसियस स्टेट में। ये चीज ध्यान रखना, अगर हमें स्टेट सॉलिड या लिक्विड दिया तो हम ये काउंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ आता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, टी क्या है, कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सॉरी टेम्परेचर लिख दिया, प्रेशर आएगा। ठीक है, और प्रेशर लिख दिया, टेम्परेचर आएगा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और डेल्टा यू किस के इक्वल आता है, डेल्टा ई के, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये काट के मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रेशर की जगह टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल की ये डिपेंड किस कैसे करता है एनजी पे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, डेल्टा एच मेनली डिपेंड्स ऑन एनजी, डेल्टा एनजी हाउ, देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, डेल्टा एच मेनली डिपेंड अपॉन डेल्टा एन जी हाउ, एच टू प्लस बी आर टू टू गिव टू टू एच बी आर। ये कैसे आया हमें, ये सारा गैसियस स्टेट में दिया हुआ है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू टू माइनस टू, टू माइनस टू कैसे आया, प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के, वन और वन कितना हो गया टू, ये क्या गया जीरो। अब डेल्टा एच ये हम एन जी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे,
जब हमने ये मेन इक्वेशन में डेल्टा एन जी जीरो पुट करा तो ये सिर्फ क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये चीज आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के इक्वल टू में है। ठीक है, अब मान लो एक इक्वेशन हमने और ले लिया, एच जी सी ओ थ्री एम जी सी ओ थ्री गैशियस स्टेट में हीट किया, एम जी ओ सॉलिड प्लस सी ओ टू गैशियस स्टेट। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं गैशियस स्टेट में, कैसे फाइंड होंगे नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन से है, सिर्फ ये सॉलिड है एक ही गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, वन माइनस, ये क्या है गैशियस स्टेट में, ये गैशियस स्टेट में नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो। तो हमारे यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना आ गया, वन। ठीक है, अब इसको मेन इक्वेशन में पुट किया, डेल्टा एनजी की वैल्यू वन पुट कर दी तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। तो हमने अब डेल्टा यू में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तभी डेल्टा एच आया, तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, मतलब हमें इससे क्या पता चला कि जब हम अपने मोल्स फाइंड करेंगे गैसियस स्टेट में तभी हमें पता चलेगा कि जो डेल्टा एच है वो डिपेंड कैसे करता है इंटरनल एनर्जी पे। अब इस केस में एनजी हमारा जीरो आया था तो ये इक्वल था, इस केस में हमारा एनजी वन आया तो डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन डेल्टा यू। ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे जब डेल्टा एच हमारा स्मॉलर होगा डेल्टा यू से। ठीक है, इस बेस पे हम डिपेंड बता सकते हैं कि डेल्टा एच कैसे डिपेंड करता है डेल्टा एनजी पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से देखो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, फटाफट से अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू पी, ये हमने फाइंड कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी, ये हमने पुट कर दिया। अब हम ले लिया यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये क्या था एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ले लिया, अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ये क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा जीरो, तो ये टर्म जीरो होगी तो ये सिर्फ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वी। हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये क्या था हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब यहां से हमने डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड कर ली इन द टर्म्स ऑफ हीट और डेल्टा यू की भी वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ हीट। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला, डेल्टा एच का क्या आया था डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू का क्या आया था डेल्टा क्यू वी, ये पुट कर दिया और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके बेस पे ये आ गया डेल्टा एन जी आर टी, ये एक नया फॉर्मूला आ गया किसका, एंथैल्पी का ही। ठीक है, ये थर्ड नंबर फोर्थ फॉर्मूला होगा, आप ध्यान से देखना साथ साथ नोट्स बनाते रहो इसके। अब मैं आपको डिटेल में एक बार सारे फॉर्मूलाज दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से हमने फॉर्मूलाज इस वीडियो में पढ़े हैं। अब देखो ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंथैल्पी, सबसे पहले ये मेन फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख देंगे प्रेशर को चेंज कर देंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये टर्म चेंज हो जाएगी वी डेल्टा पी में। ठीक है, अब ये चीज हमने प्रूव करी थी लास्ट वीडियो में, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऊपर हमने प्रूव करा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। ये आप सारे फॉर्मूला ध्यान देखो, और एक फॉर्मूला रह गया जो आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा था ये वाला, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी प्लस एन जी आर टी, ये सारे फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आप कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, ये सारे कंडीशंस अप्लाई करके इनमें से ही कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा तो आपका न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गया होगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।